हाँ पिछली बार जमुरिया नदी इतनी जोर से फना रहा है कि पूछो ना भैया, जो कोई का नाला कहा था वो सब कान पकड़े लाग रहे हैं कि देखो भैया हम नाला नहीं कहेंगे, तुम नदी हो भैया नदी, जान गए, सबके घर तबाह हो गए थे, राशन नहीं बचा था, कापी किताब नहीं बचा था, पूछो ना भैया, आधा शहर बर्बाद हो गया था और का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसे में देखा तो डीएम सत्येंद्र कुमार जी बाराबंकी मावती हैं और जमुरिया नदी के साफ सफाई कार्यक्रम शुरू करवा दिए थे, एसडीएम साहब को जिम्मेदारी भी दिए, अब चाहे स्कूल की बाउंड्री हो चाहे ब्यूटी पार्लर हो, जो कोई बकायदा अवैध निर्माण कर रखी रहा है सबको बकायदा ध्वस्त किया जा रहा है, तुम देख सकती हो। ऐसे मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार जी दिए हैं। बहुत हाल ही भैया जमुरिया नदी के साफ सफाई कार्यक्रम कम्प्लीट हो हुआ है, अब थोड़े बहुत काम बचा है, तनिक सुनो। देखिए बाराबंकी में वर्ष 2023 में जमुरिया नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसके कारण पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई थी। उसी के दृष्टिगत इस बारी जमुरिया नाले के किनारे जो फ्लड प्लेन जोन में लोगों ने निर्माण किए थे बिना नक्शा पास कराए हुए, उसको हटाते हुए उसकी धारा को पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें कुल 100 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो आंशिक रूप से जिनका निर्माण बिना नक्शा कराए हुए कराया गया था, तो उनको डिमोलिश करते हुए जो नदी की धारा है उसको सही किया गया है। उसी धारा क्षेत्र में कुछ स्कूल भी थे, 6 स्कूल हैं, कुछ मदरसे भी बने थे, तो उन सब में भी डिमोलिशन की कार्रवाई करते हुए जमुरिया नाले को उसके ओरिजिनल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की जा रही है। अब किस स्तर तक कार्रवाई हो चुकी है? अब आखिरी करीब 200 मीटर का कार्य बचा हुआ है, 6 किलोमीटर का काम करीब करीब हो गया है कम्प्लीट। अब डीएम सत्येंद्र कुमार जी की बातें सुनकर के मामला समझ गया होगा कि देखो भैया प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जमुरिया नदी किनारे किनारे जो कोई अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं भैया उनका सबका चिन्हांकन करके हटावा जा रहा है। बाकी भैया देखो बहुत काम कम्प्लीट हो हुआ है, अब 200 मीटर और बचा है, बाकी तुम लोग उनकी कार आए कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। प्राथमिक संघ के जिलाध्यक्ष पवन वर्मा जी की बात सुनो भैया, औ का देखा तो गुरु जी बहुत नहीं बात बताओ रहे, देखो भैया ऐसा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये जो ऑनलाइन वाला उपस्थिति वाला सिस्टम हवाई का वापस लिया जाए, हम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले। देखा तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाती है और अपनी बात रखती है कि साहब सुनना बढ़िया आपका, सुनो हम लोग उनकी बात, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तनिक सुनो। किसी को नहीं करते, अपना काम करते हैं, समय से अपना काम करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी आंदोलन चलता रहेगा और आर पार की लड़ाई लड़के दिखाई है पवन वर्मा, इनका नाम है, क्या बात है भैया, और पवन की गति से बोलता हूँ गुरुजी के अंदर पूरा जोश दिखाई देता है, देखा था भैया ईमानदार आदमी है, बचन का पढ़ावे काम करती है, जो उन चीज गलत है वो चीज गलत है, सही का सही बोली है, गलत का गलत बोली है, और जहाँ विरोध करे की बात हुई है वहाँ खड़े भी हुई है, ईमानदार आदमी है, तो भैया डरा बिल्कुल नहीं है, हम गलत तरीका आपका दिखा दी, देखो बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब के कार्यालय पहुंचे रहे हैं और जो ऑनलाइन उपस्थिति वाला सिस्टम चल रहा है उसका विरोध करते रहे, इनके साथ तमाम कदम इनके सहयोगी टीचर और भी दिखाई देते रहे, हम गलत तरीका आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब जब देखो तब बकायदा संजय सेतु पुल पर भैया कभो ना कभो जामे लग जाती है, कहूँ ना कहूँ बकायदा दरारे हो जाती है, हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि भैया देखो ऐसा है एक थोड़ी बकायदा दूसरा पुल भी बनाने की व्यवस्था कीजिए, तनिक बजट वजट पास करवाइए, बढ़िया एक थोड़ी पुल बनाइए। बाराबंकी जिले के भैया सरयू नदी के ऊपर बने संजय सेतु पुल पर जगह जगह दरारे आए गए हैं, जी का बतावा जाता है कि देखो भैया अब डीएम साहब संज्ञानहीन है और मरम्मत के आदेश भी जारी करीन है, तो चौका घाट पर भैया जो संजय सेतु बना पड़ा है उसका बखता मरम्मत वरम्मत भी करावा जी, अब देखो कहा होती है, हम गलत तरीका आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। हम मुहर्रम का लेकर के देखा दी अकबर साहब यहाँ पर अपील जारी करी है, बहुत नीक भैया अपील बताओ रहे, हम गलत तरीका आपका सुना दी कि बतावत रहे कि देखो भैया ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार बनाओ, बढ़िया जुलूस निकालो, तो सुनो। मैं देश के ताजादारानों को त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं और शासन प्रशासन के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए त्यौहार को मनाया जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और सब भाईचारा कायम रखें और किसी प्रकार की अराजकता न फैलने पाए। अब अकबर साहब बहुत बढ़िया संदेश देना कि देखो भैया फर्जी की बकता बातें बातें मत करना, अफवाह मत फैलाना, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाओ और बहुत बढ़िया त्यौहार है तो शांति के साथ भैया जुलूस निकालो, शांति के साथ पर्व मनाओ और प्रशासन को पूरा सहयोग करो, जो नियम है वही के साथ बकायदा काम करो, बहुत निक बहुत बढ़िया संदेश दीन अकबर साहब, गलत तरीका आपका बता दे, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया देखो बाढ़ में गैया फंस गया और का बाराबंकी जिले के सूरतगंज क्षेत्र के भैया लालपुर करौता गाँव पर जाती है, सरयू नदी किनारे या गाँव पड़ती है, यहाँ पर भैया लगातार देखा थी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो भैया सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा है तो पानी वानी सब गाँव में आ गया है, तो इससे मैं आपका बता दी
की देखा थी हो गैया फंस जाती है, गैया का मालिक को फंसा पड़ा रहा है, बिना गैया को वहू जाग तैयार नहीं रहे होना का था भैया। तुरंत बकायदा बाण में फंसी गैया का निकाले खातिर 32वीं वाहनी पीएससी के जवान और पहुंचा दी है, गैया का भी निकालती है, उनके मालिक का भी निकालती है और दोनों का सुरक्षित स्थान पहुंचावे काम करती है। हम कहना तो आपका दिखा दी कि देखो भैया 32वीं वाहनी पीएससी के जवानों खातिर एक सल्यूट तो बनता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबा सहज को पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत बढ़िया काम करेंगे, देखा थी भैया गैया की जान बचाई, उनके मालिक की भी जान बचाई।